नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है बहू रसोई कितनी गंदी रखती है। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। जिया की ननद चित्रा मायके आई हुई थी, तो आज जिया ने लंच में ननद के मनपसंद आलू और कच्चे केले की सूखी सब्जी, आलू दम, ड्राई फ्रूट पुलाव, दाल फ्राई और पूरियां बनाई हुई थी। साथ में उसने आम का अचार, सलाद, धनिया पुदीने की चटनी और थोड़े पापड़ भी तलकर तैयार कर लिए थे। मीठे में तो कल शाम को ही जिया के पति अभय चित्रा की मनपसंद रसमलाई लेकर आए थे और वह फ्रिज में पड़ी हुई थी। जिया ने जल्दी जल्दी दोपहर का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। चित्रा और जिया की सास नंदा जी बातें करते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। जब से चित्रा आई थी, दोनों माँ बेटी बातें करने में लगी हुई थी। जिया उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठी और उसे अपना मायका याद आ गया। वह भी तो मायके जाती थी तो अपने माँ से ऐसे ही चिपकी रहती थी। वह सबकी थाली में खाना परोसने लगी। जिया की सास सलाद की प्लेट देखकर बोली, अरे बहू, थोड़ी प्याज भी काट कर ले आओ। जिया तुरंत बोली, अभी लाई मम्मी जी। जिया कभी भी सलाद में प्याज पहले से काट कर नहीं रखती थी, जिसे भी चाहिए होता था वह बाद में काट कर दे देती थी, क्योंकि पहले से काट कर रख देने से प्याज की महक थोड़ी अलग ही लगने लगती है। जिया रसोई में गई और प्याज का छिलका उतार कर उसने प्याज को गोल गोल स्लाइस में काट दिया। अभी वो एक छोटी सी प्लेट में प्याज निकाल ही रही थी कि तभी उसका 3 वर्षीय बेटा नींद से जाग गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जिया झटपट प्याज लेकर रसोई से बाहर आई और प्याज की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रख कर दौड़ते हुए बेडरूम में चली गई। वहां जाकर वो बेटे को संभालने में व्यस्त हो गई। इधर माँ बेटी ने बहुत ही स्वाद लेकर खाना खा लिया। चित्रा बोली, अरे माँ, भाभी तो बहुत देर से कमरे में है, वह कब खाना खाएगी? नंदा जी बोली, अरे उसे भूख नहीं लगी होगी, इसलिए अपने कमरे में आराम करने चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि ननद आई है तो उसके खाना खाने तक साथ में ही रहूं कि पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए। देखो तो कैसे खाना बनाकर टेबल पर पटक गई और हम अकेले बैठकर खा रहे हैं। चित्रा प्यार से बोली, अफो माँ, तुम भी ना, जाने दो ना, भाभी ने कितनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। अब चुटकू रोने लगा तो भाभी को उसे संभालना ही था। इतना बोलकर चित्रा जूठे बर्तन सिंक में रखने गई। हाथ धोते हुए उसकी नजर स्लैब पर पड़े हुए प्याज के छिलके पर पड़ी। वह छिलके समेट कर डस्टबिन में डालने लगी। तभी उसकी माँ नंदा जी रसोई में आई। बेटी को सफाई करते हुए देखकर झट से बोली, अरे बेटा, तू यह सब क्यों साफ कर रही है? अभी महारानी जी आएंगी तो कर लेगी। तू देख रही है ना बेटा, बहू रसोई कितनी गंदी रखती है, इसे तो साफ सफाई का होश ही नहीं रहता है, बस किसी तरह काम करके निकल जाती है। अंग लगाकर काम करना क्या होता है इसे तो पता ही नहीं है। रसोई इतनी गंदी रखी जाती है क्या? माँ की बात सुनकर सफाई करते हुए उसके हाथ अचानक से रुक गए। उसे लगा कि यह मेरी माँ नहीं, एक सास बात कर रही है। उसने चुपचाप स्लैब को साफ किया। उसकी माँ रसोई से कमरे में जाकर अपने कमरे में बैठी उसका इंतजार करने लगी। चित्रा माँ के पास पहुंचकर बोली, माँ तुम थोड़ी देर रुको, मैं भाभी को खाना देकर आती हूँ। नंदा जी बोली, अरे वो खुद से खा लेगी ना? चित्रा बोली, नहीं माँ, भाभी मुन्ने को संभाल रही है, मैं उनके कमरे में ही उन्हें खाना देकर आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे के बाहर चली गई। जब वो अपनी भाभी को खाना देने गई तो जिया ननद का प्यार देखकर भाव विभोर हो उठी। जब चित्रा भाभी को खाना देकर वापस आई तो माँ के पास बैठकर बोली, माँ आज रसोई में तुम्हारी बातों ने मुझे तुम्हारे अंदर की सास का दर्शन करवा दिया। नंदा जी सक पकाते हुए बोली, मतलब ये क्या कह रही है तू बेटी? चित्रा गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, आज जैसे तुम कह रही थी ना कि भाभी रसोई गंदी रखती है, वैसे ही मेरी सास भी मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है, रिश्तेदारों के सामने मुझे सुनाती रहती है। मैं उनकी सोच तो नहीं बदल सकती, मैंने उनकी बातों को दिल से लगाना बंद कर दिया है, लेकिन तुम मेरी माँ हो
इसलिए मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। देखो माँ, भाभी सुबह से रसोई में मेरे मन पसंद भोजन बनाने में लगी हुई थी। उनके माथे पर शिकन की एक लकीर तक नहीं दिखाई दी। मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता थी, क्योंकि अभी छुटकू छोटा है, उसे संभालने के साथ साथ इतना काम करना बहुत मुश्किल काम है। आज मैं पहले दिन आई थी तो मैं भाभी की मदद भी नहीं कर पाई, तुमसे बातें करने में लगी रही, लेकिन अगले टाइम के खाने पर तो मैं भाभी की मदद करूंगी ही, लेकिन मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। बच्चों को संभालने में कभी कभी कोई काम छूट ही जाता है तो क्या हुआ, अगर स्लैब पर थोड़े से प्याज के छिलके थे भी तो भाभी आकर साफ कर लेती या तुम कर लेती। वैसे तो मैंने सफाई कर ही दी, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए भाभी को गलत बोलना अच्छा नहीं है। तुम्हारी बेटी को भी ससुराल में यही सब सुनना पड़ता है, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लगता है। और माँ, बचपन से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, जब तुम रसोई संभालती थी तब भी तो मैंने कितनी बार ऐसे ही सब्जियों और फलों के छिलके स्लैब पर ऐसे ही पड़े हुए देखे हैं, तुम तुरंत ही तो सफाई नहीं कर देती थी। कभी कोई और काम करने के चक्कर में रसोई थोड़ी गंदी रह भी जाती थी तो तुम बाद में साफ कर लेती थी, तो फिर तुम्हारी बहू भी थोड़ा ऐसा कर ले तो क्या दिक्कत है। भाभी भी तो हमारी तुम्हारी तरह इंसान ही है, अगर काम में थोड़ा देर सवेर हो भी जाए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बहू रसोई गंदी रखती है। यदि ऐसा होता तो सुबह से उन्होंने जितने भी व्यंजन बनाए उसकी वजह से तो रसोई पूरी तरह बिखरी हुई रहती, लेकिन जब मैं रसोई में गई तो स्लैब पर केवल प्याज के छिलके ही थे। भाभी रसोई को कितना तो साफ सुथरा रखती है। अच्छा हुआ कि भाभी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगता कि उन्होंने मेरे आने पर कितनी मेहनत की और उसकी सराहना करने की बजाय तुम इतनी छोटी सी बात पर उनके काम में कमियां निकाल रही हो। जिस प्रकार तुम मेरी माँ बनकर सोचती हो, उसी तरह भाभी के लिए भी उनकी माँ बनकर सोचो, तब तुम्हें उनकी कमियां नहीं बल्कि उनके प्रयास ही नजर आएंगे। बेटी की बातों ने नंदा जी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सच ही तो कह रही थी बेटी, उन्होंने भी तो अपने समय में कभी न कभी रसोई गंदी छोड़ी थी। उन्होंने बेटी से कहा, तू सच कह रही है, मैं सास बनते ही सास की नजरों से देखने लगी थी, लेकिन माँ की नजर से देखूं तो कोई और काम करने के चक्कर में कभी कभी कोई काम छूट भी जाता है। आगे से मैं बहू के काम में कमी नहीं निकालूंगी। चित्रा खुशी से माँ के गले लग गई। वो अपनी सास की सोच तो नहीं बदल पाई थी, लेकिन उसने अपनी भाभी की सास की सोच जरूर बदल दी थी। दोस्तों, औरतें बहुत काम करती हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भागम भाग में घर का कोई कोना गंदा भी छूट जाता है। ऐसे में ये नहीं सोचना चाहिए कि बहू सफाई पसंद नहीं है, उसे गंदगी में रहना ही अच्छा लगता है। ऐसा सोचने की बजाय उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।